अगर जर्मन शेफर्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो में आप लोगों को जर्मन शेफर्ड को लेकर कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आई मीन इनके कलर्स में, जैसे कि आप लोग ब्लैक भी देख रहे हैं एंड ब्लैक एंड टैन भी। तो अगर आप लोग इन पपीज को परचेज करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में आप लोगों को क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी बहुत ही जेन्युइन मिलने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल के आइकन को ऑल पर कर लो, ताकि ऐसी वीडियो डेली आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के, और मदर की क्वालिटी देखे भाई, मदर बहुत अच्छी क्वालिटी में और लॉन्ग कोट में। बाकी पपीज के जो फादर हैं वो ब्लैक कलर में है, इसी वजह से आप लोगों को ब्लैक कलर के पपीज भी इनमें मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कर सकते हो। इनमें फीमेल्स भी अवेलेबल हैं। तो ब्रीड तो आप लोगों को हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी डॉग ब्रीड परचेज करनी है तो। लेकिन अगर जर्मन शेफर्ड की बात करें तो जर्मन शेफर्ड एक काफी स्पेशल डॉग ब्रीड है, जो कि वर्ल्ड डॉग रैंकिंग में नंबर थर्ड और AKC यानी अमेरिकन कैनल क्लब की तरफ से ये नंबर सेकंड पर आते हैं। तो अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड को परचेज करें तो सबसे पहले आप लोग को इनकी डाइट पर ध्यान देना होगा। आप लोग दूध रोटी दलिया वगैरह इस ब्रीड को स्टार्टिंग में ना खिलाएं, क्योंकि बड़े होने के बाद तो अलग बात है भाई, लेकिन पपीज को स्टार्टिंग में आप लोग को अच्छा प्रीमियम फूड देना पड़ेगा, तभी जाके इनकी क्वालिटी अच्छी होगी भाई। तो स्टार्टिंग में आप लोग पपीज को कम से कम 4 मील खाना जरूर दें, बट जैसे धीरे धीरे ये बड़े होते जाए, 4-5 महीने के हो जाएं, उस टाइम आप लोग 1 टाइम रिड्यूस करके इन्हें 3 टाइम्स दे सकते हैं। और ये चीज मैं मेरी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जर्मन शेफर्ड को आप लोग फर्श पर ना रखें, स्पेशली जब वो गीले हों, और फर्श पे बांध के तो भाई बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि इनकी लेग्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड हाँ, आप लोग इनकी डाइट में कैल्शियम तो जरूर ऐड करें। बाकी लोकेशन से आप लोगों को पता ही लग रहा है कि पपीज होम ब्रीडिंग के हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो लाइव वीडियो कॉल पर देखकर इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ये 4 ही पपीज अवेलेबल है, जिसमें से 3 मेल और 1 फीमेल है। तो गाइस मदर की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हो, लेकिन फादर की बात करें तो गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर, जो कि प्योर ब्लैक कलर में, लेकिन इसकी और फोटो वीडियोस ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। वैसे भाई एक चीज मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूँ, अगर बाय चांस आप लोगों को लग रहा है कि यार पपीज हमारे बजट में नहीं है, तो फिर भी आप लोग डॉग ओनर को एक बार कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि भाई क्या पता कितना प्राइस कम हो जाए और आप लोगों के बजट में आ जाए। और ऐसा होता भी है भाई, क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, उन्हें बच्चे जल्दी से जल्दी सेल करने होते हैं, तो वो कम प्राइस में भी सेल कर देते हैं। वेल गाइस बात कर लेते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्टली अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 36-37 डेज के आसपास हो चुके हैं। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। एंड डिलीवरी जो है ना वो आप लोगों को अप टू 100 किलोमीटर तक ही मिल पाएगी, लेकिन यार आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करो, डायरेक्ट ओनर को विजिट करो, पपीज को देखो और बाद में परचेज करो, इसमें तो आप लोगों का ही फायदा है। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो अगर ब्लैक एंड टैन मेल की बात करें तो उसका जो प्राइस है वो है 13,000 रुपीज, 13,000 रुपए। एंड जो फीमेल है वो है 11,000 रुपीज, यानी 11,000 रुपए। लेकिन अगर आप लोग इस ब्लैक कलर को परचेज करना चाहते हो तो उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो 16,000 रुपीज, यानी 16,000 रुपए। लेकिन प्राइस किसी का भी फिक्स नहीं है, बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।